सो भाई 2.55B प्रीटी सिमिलर लाइंस, थोड़ा अलग है क्वेश्चन, मजेदार है। अ यूएस इन्वेस्टर, इस बार क्या हो रहा है, अ यूएस इन्वेस्टर चोज टू इन्वेस्ट इन सेंसेक्स फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर, द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। यहां चेंज हो गया भाई, पिछले समय हमने जो देखा था वहां से, राइट। सो ओवर हियर यूएस इन्वेस्टर वांट्स टू कम टू इंडिया, साइज ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज $20 lakhs, स्पॉट एक्सचेंज रेट 1 year अगो व्हेन ही इन्वेस्टेड, नाउ सेंसेक्स 1 year अगो, सेंसेक्स नाउ, देयर इज अ मार्क्ड अप्रिसिएशन इन द सेंसेक्स, इन्फ्लेशन इन यूएस, इन्फ्लेशन इन इंडिया। Compute the nominal rate of return for the US investor. Compute the real depreciation, appreciation of rupee. This is an important point to discuss. What should be the exchange rate if relevant purchasing power parity holds good? ये बहुत आसान है. What will be the real rate of return to the Indian investor in Sensex? यहाँ real return पूछा है. ये भी आसान है. Right? Point number two is a little bit intuitive one. Right? No. चलिए शुरू करते हैं सम को। गिवन amount of investment by the US investor is how much? $20 lakhs. Investment in INR terms one year ago, इन्हीं की भाषा में लिखते हैं, या मैं मेथड वन लिख दूं, दो मेथड से कराऊंगा जैसे पिछला सम भी कराया था। कितना आएगा भाई ये सोल्ड यूएस डॉलर्स, तो रेट क्या आ जाएगा 40 to 50, कितना आ गया जनाब भाई 20 lakh into 42.5। ₹8.5 crore इन्वेस्टेड इन सेंसेक्स आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, लेकिन हम लोग उसी हिसाब से जाएंगे, यूनिट्स प्रोक्योर किए करके 3 to 5, 6 हाइपोथेटिकल सिनेरियो। फिर सेंसेक्स नाउ 3765 जब उन्होंने सेल किया, अकाउंट रिसीव नाउ लिख देते हैं, सो देयर सिंक इन लैंग्वेज
क्या था भाई 3765। कितना गया भाई इनके पास 9,82,87,776.015। ठीक है, अमाउंट ऑफ यूएसडी रिसीव्ड कन्वर्ट भी तो कराना पड़ेगा ना भाई। व्हाट ही हैज टू डू, ही हैज टू बाय डॉलर्स, सो डिवीजन बाय 43.90। That is how much? $22,38,000. $901.504. ठीक है, इतने डॉलर्स इनको मिले। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न टू द यूएस इन्वेस्टर, यानी कोई इन्फ्लेशन कुछ एडजस्ट नहीं करना है, जैसा है वैसा रहने दो। नॉर्मल रिटर्न बेटा कितना आएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख USD, इलेवन पॉइंट 945%। मेथड टू की तरफ, मेरी मेथड रिटर्न फ्रॉम सेंसेक्स कितना है भाई, बहुत सिंपल है ये मेथड, 3765 एक साल में सेंसेक्स में कितना रिटर्न आया, फिफ्टीन पॉइंट 633%। सिक्स थ्री टू सिक्स है तो अपन ने 633 कर दिया। ठीक है, द यूएस इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन इंडिया, सो द करेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज क्या, क्या समझाया था आप लोगों को याद करो, करेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, INR है, तो INR एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन मिल जाएगा तो हमारा आंसर बन सकता है, करेक्ट। सो INR एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा, सीधा सीधा हिसाब है, हमको दो वैल्यूज यहां उठानी है। द यूएस इन्वेस्टर व्हेन ही कम्स टू इंडिया ही सेल्स डॉलर्स, दैट इज नथिंग बट ही बाइज INR, एंड व्हेन ही इज गोइंग बैक
What does he do? He sells INR, जो भी उसने पैसा बनाया है, and he buys dollar, right? तो initially I repeat, क्या होगा बेटा? पहले वो करेगा sell dollar, then he'll do buy dollar. तो हमको ये दो rate हाथ लग गए, 43.90 and 42.50, right? तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? There is a marked appreciation in US dollar, means there is a depreciation in the Indian currency. कितना depreciation है? कैलकुलेट कर पाएंगे 100% कर पाएंगे. ठीक है, वन ईयर अगो हम लोगों ने जो सीखा है वही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. दो रेलेवेंट रेट है 42.50 एंड 43.90. ठीक, ये डॉलर में एक्सप्लेन किया गया है. हमको चाहिए इसका रुपी में एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन. ऑब्वियसली डॉलर एप्रिशिएट हुआ है तो रुपी डेप्रिशिएट हुआ है. सीधी सी बात है, राइट? क्या आएगा महाराज? मैं शॉर्टकट अप्लाई कर रहा हूं जो हमने सीखा है वही. अदरवाइज यू कैन कन्वर्ट राइट इट इनटू रुपी टर्म्स. रुपी को LHS पे ले लो और बाद में डॉलर टर्म्स में एक्सप्लेन करो पूरी आर्गुमेंट को. आंसर सेम बनेगा, राइट? कितना आया महाराज? 200 कर दो इसको. देयर इज अ डेप्रिसिएशन इन रूपी बाय 3.189%, राइट? ये मैंने शॉर्टकट यूज किया है, राइट? जब RHS LHS करेंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, मानो ये फॉरवर्ड रेट है, जस्ट इमेजिन दैट, राइट? तो हम लोग क्या यूज करते हैं फॉर्मूला, स्पॉट माइनस फॉरवर्ड माइनस स्पॉट बाय स्पॉट. ये हमने उल्टा यूज किया है, जो हम लोग शॉर्टकट तरीका है हमारा, राइट? इट इज नथिंग बट स्पॉट माइनस फॉरवर्ड बाय फॉरवर्ड. RHS करेंसी का मालूम पड़ जाएगा आपको. रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्या आएगा महाराज? (15.633) है. सो वन प्लस और यहां फिर क्या कर देंगे अपन? फिर माइनस वन इंटू 100 कर दीजिए. आ गया अपना आंसर कितना? 11.945%. डन. तो आ गया सेम आंसर महाराज. देखो रिटर्न दो चीज पे डिपेंडेंट है, इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव मेड एंड द करेंसी फ्लक्चुएशन. इन्वेस्टमेंट वेंट पॉजिटिव, करेंसी फ्लक्चुएशन वेंट नेगेटिव फॉर द यूएस इन्वेस्टर. तो नेट नेट डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना, कोई यूनिट कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, राइट? जो हमने सीखा है वही करना है, बस सीधी सीधी सी बात है. क
कंप्यूट द रियल अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। अब ये कुछ फ्रेश नया, राइट, ये पार्ट वन हो गया हमारा कंप्लीट। पार्ट टू हम लोग क्रॉस रेट्स यूज नहीं करेंगे, जैसे हमने एक का बाइंग एक का सेलिंग यूज किया था वैसा नहीं होगा। सबसे पहले हमको खाली पूछा है कंप्यूट रियल अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी। अब ये वर्ड रियल यूज किया गया है रादर देन जस्ट मियरली अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन। अगर दैट वुड हैव बीन द केस देन इट इज डिप्रिसिएटिंग। यूएस डॉलर बींग बॉट इज नथिंग बट रूपी बींग सोल्ड। 4250 गोज टू 43.85, right, and 4260 goes to 4390, right, when US dollar is being sold and rupee being bought, simple, कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने पूछा real appreciation depreciation क्या है भाई, तो वो अब समझने वाली बात है, ये बड़ा interesting रहने वाला है, ठीक है, चलिए। One year ago, फिर क्या है 42, नंबर याद नहीं रहते यार, 60, नाउ ठीक है। अब इन्होंने रूपी के बारे में पूछा है, सो बी लिटिल केयरफुल। और वो भी रियल अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, इसका मतलब आपको पहले समझा दे रहा हूं। फॉर गिवन इन्फ्लेशन रेट्स परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी क्या बोलता है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ एफईआर एडजस्ट होते हैं सच दैट अ बंडल ऑफ गुड्स एट बोथ द प्लेसेस विल कॉस्ट यू द सेम, राइट। बेसिकली वही मतलब बनता है, बंडल ऑफ गुड्स विल कॉस्ट यू द सेम, राइट। तो वैसे एफईआर एडजस्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली द कंट्री विच इज फेसिंग लेसर इन्फ्लेशन विल हैव अ स्ट्रॉन्गर करेंसी, सीधा सीधा हिसाब है। तो यहां हम लोग क्या देखते हैं, पहले हम लोग को पीपीपीटी के हिसाब से रेट्स निकाल लेने हैं, चलिए वो कर लेते हैं पहले। नाउ क्या होना चाहिए, दो रेट निकालने हैं, डॉलर बाइंग फोर्टी टू फिफ्टी गोज टू 43.85, करेक्ट। लेकिन ये जाना कितना चाहिए था, एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी,
इन्फ्लेशन एडजस्टेड, $1,1905, राइट, डॉलर सेलिंग, $42.60 goes to $43.90. कितना जाना चाहिए? $44.2228. ठीक है, ये आ गए हमारे रेट्स एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी. मींस डॉलर शुड हैव अप्रिशिएटेड मोर अगेंस्ट रूपी ओवर अ ईयर देन व्हाट इट इज करेंटली ट्रेडिंग एट. हाँ जी, इट शुड हैव बीन 44.119 ऑड vis-a-vis 44.222 something, right? So that would have been the buying selling rate had the purchasing power parity theory played out perfectly. Lekin aisa nahi hua. It is little timid. In fact, dollar should have appreciated more. It hasn't, right? Lesser than suggested by purchasing power parity theory. मेरा और इंस्टीट्यूट का सॉल्व करने का तरीका अलग है, लेकिन आंसर सेम आएगा, राइट? वो लोग ने क्या किया है, उन लोगों ने हैव टेकन द रेट्स बैक, रिवर्स कैलकुलेशन करके, उल्टा करके, दे टुक इट वन ईयर बैक, राइट? मैं दोनों रेट को आज पे ले आया हूं, नाउ पे, ठीक है? Rupee has faced lesser depreciation in market. Than suggested by purchasing power parity theory. ठीक. Thus we can say there is an real appreciation in rupee. It fell by a lesser margin than suggested, means वो जितना depreciate होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, उसके ऊपर है तो ये अप्रिसिएशन हुआ है, राइट? कन्वर्सली अगर देखा जाए तो, ठीक है, अप्रिसिएशन रुपी पे आ जाते हैं.
when buying dollar. So now we have two comparative rates at hand. Maharaj, kaun se? 43.85 is pitched against 44.11905. Itna hona chahiye tha. It should have come to this, but it is at only at 43.85. So basically, what is the appreciation? Kitna fall nahi hua hai, right? So that is what they are asking, trying to ask over here. महाराज क्या आएगा? डोनेट कर दो. .6098% सर ये 44.110905 क्यों नीचे आ रहा है भाई? अपना शॉर्टकट याद करो. RHS टू LHS नहीं लेना है, राइट? फॉर्मूला में ही हम लोग चेंज कर देते हैं, खत्म. एज सिंपल एज दैट. क्या था भाई? 44.228. कितना आया? 0.72994. तो भाई ये आ गया हमारा अप्रिसिएशन इन रुपी. राइट? ठीक है. तो ये जो रेट्स है दोनों नाउ के हैं. नाउ एज पर एक्चुअल मार्केट्स, नाउ एज पर परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी. राइट? तो हम लोगों ने क्या किया, इसको स्पॉट फॉरवर्ड की तरह हम लोगों ने डील किया इसके साथ. राइट? दैट इज अ फॉर्मूला दैट वी यूज फॉर प्रीमियम डिस्काउंट. राइट? तो या अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बोल लो. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको हमने स्पॉट लेके चला है द मार्केट रेट, इसको हमने फॉरवर्ड लेके अज्यूम कर लिया है. दोनों अभी के ही है, खाली फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मूला कि भाई कितना डिफरेंस बन रहा है दोनों के बीच में. बिकॉज इट इज रुपी तो हम लोग ऑब्वियसली फॉर्मूला को रिवर्स करके यूज करते हैं. स्पॉट माइनस फॉरवर्ड बाय फॉरवर्ड कर दिया हमने और आ गया आंसर, खत्म. जैसे मैंने बोला, इंस्टीट्यूट ने सेम आंसर लाया है लेकिन they have reversed the calculation a little. What they have done, they have not bought the 1 year rate to today. They took the now rate and usko retrospect mein le gaye, usko ulta bhagaya, and then they calculated it, obviously getting the same answer. Right? ठीक है. मेरे हिसाब से लॉजिकली समझने के लिए ये ज्यादा इजी हो जाता है. रियल अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है. मार्केट के हिसाब से एक साल के बाद क्या रेट है, what should have been as per the purchasing power parity theory, is there a disparity, yes there is a disparity, did rupee depreciate as much as it should have had as per the purchasing power parity theory, the answer is no.
So how much is that relevant appreciation vis-a-vis the current market rates? And we have got that, right? चलिए हो गया. यही सबसे मजेदार पोर्शन है इस सम का. What should be the exchange rate if relevant purchasing power parity theory holds good? भाई वो तो हमने निकाल लिया था ऑलरेडी. ये रहा, लिख देते हैं फिर भी. Done. Calculation as shown above in part 2. What will be the real return to an Indian investor in Sensex? इसका पूछा है बंदे का real return, यानी इसमें इनको inflation adjust करने के बाद अपन को देना है. Right, Sensex return we any which way is calculated in my method 2. How much is that? 15.633. अगर ये Indian investor होता, so how much he would have earned in real, means without inflation? रिटर्न फ्रॉम सेंसेक्स कितना? 15.633. ठीक है, फिर इन्फ्लेशन. इंडिया इन्फ्लेशन रिमूव कर दो, आपका रियल रिटर्न आ गया. तो इंडियन इन्वेस्टर कितना आएगा? 6.085%. क्लोज. ये सबसे इजी था लास्ट पार्ट. चलिए सो जस्ट अ क्विक रिकैप. इस बार के समय हमको बताया गया है दैट देयर इज अ फॉरेन पर्सन कमिंग टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट. ऑब्वियसली वी नो दैट देयर आर लॉट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट? तो इन जनाब को भी मन हुआ इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी कि भाई हम भी जाके इन्वेस्ट करें इंडिया में, ग्रोइंग मार्केट है. चलिए अच्छी बात है, सेंसेक्स में जंप भी अच्छा खासा आया 15.633%. ऑब्वियसली द एक्सचेंज रेट्स डिड हिम अ लिटिल, ठीक है, और उसका रिटर्न थोड़ा घट गया. कितना? 11.945, फिर भी बहुत बढ़िया है एक्चुअली. ये आ गया हमने मेथड 1 मेथड 2 से, दोनों से बता दिया आपको हाउ टू गो अबाउट इट. जो हमने सीखा था वी आर जस्ट अगेन री इम्प्लीमेंटिंग इट, राइट? बाद में रियल अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, ये थोड़ा सा कड़क कॉन्सेप्ट रहा कि भाई हम इसको कैसे डील करेंगे. वी फर्स्ट फिगर आउट द एक्सचेंज रेट टू परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, सजेस्टिव रेट्स. सो वी हैव गॉट टू नाउ वाला रेट्स, एक्चुअल रनिंग मार्केट रेट्स एंड वन सजेस्टेड बाय परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी. The dollar did not appreciate as much, right? Or you can say conversely, the rupee didn't depreciate that much, means there is a, you can say a comparative appreciation in rupee. And what is the comparative appreciation in rupee? When you're buying dollar, when you're selling dollar, appreciation in rupee comes to 0.6098% and 0.72994%, right?
Now, relevant FER as per the purchasing power parity theory, that's already been calculated in part 2. Real return to the Indian investor is devoid of inflation, 6.085. The inflation humne remove kar diya and we got our real return to the Indian investor, right? Aur mere khayal se koi kasht wali baat nahi hai, is sum ke andar seedha seedha sa sum hai, as such, apart from part 2 being a little bit tricky part. Chaliye, aage badhte hue.